चैनल आई होप आप सब प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी एंड अब सुबह सुबह ठंड लगने लग गई है, तो कल रात ही मैंने अपने लिए विंटर का कपड़ा निकाला था। तो अब हम थोड़ी देर पहले भी उठे थे, फ्रेश हो गई हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया है, मेडिटेशन थोड़ा सा कर लिया है। तो अब हम लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मैं अराउंड 6:45 बजे उठ गई थी या फिर थोड़ा पहले उससे, एंड हम 7:30 बजे तक लाइब्रेरी जाएंगे, क्योंकि मेरी लाइब्रेरी 7:30 बजे सुबह खुलती है। तो अब हम लाइब्रेरी के लिए तैयार होंगे एंड अपना फर्स्ट स्लॉट लाइब्रेरी में ही करेंगे, क्योंकि रूम पे मेरा सच कुछ मन नहीं है पढ़ने का। तो जब मन नहीं रहता है रूम पे पढ़ने का तो लाइब्रेरी से स्टार्ट करते हैं अपना दिन। एंड तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। आई होप आपको ये वीडियो मोटिवेट करेगा थोड़ा सा भी, एंड मैं कोशिश करूँगी कि अपना जितना भी मेरा रूटीन है उसका एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड जब तक मैं बनाती हूँ तब तक आप लोग ये सुनो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड अपने कॉलेज के इयर्स को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है 3 ईयर प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ, जिसमें आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको इंडस्ट्री स्किल्स की कवरेज भी देता है। इसमें आपको मिलेंगी NCERT, GS, ऑप्शनल, CSET, इन सभी की बेसिक टू एडवांस क्लासेस, प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेन्स टेस्ट सीरीज। बट वहीं अगर आप 2026 ईयर टारगेट कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प हिंदी या इंग्लिश बैच एंड टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 में। पर अगर आपका टारगेट 2025 है तो आपके लिए है प्रहार सिर्फ 7,999 में, जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एंड टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश मीडियम में है, जिनकी फीस है 9,499। वहीं अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक, PSIR, ज्योग्राफी या पबैड में से कोई ऑप्शन है तो इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है। बट हिंदी मीडियम की बात करें तो PSIR, भूगोल, इतिहास, हिंदी साहित्य एंड समाजशास्त्र ये अवेलेबल है सिर्फ 8,999 में। आप इनके लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड NANCY यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी इस टाइम पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, लग रहा है जिम जा रही हूँ, बट जिम नहीं जा रही हूँ, ये कंफर्टेबल क्लोथ्स होते हैं। लाइब्रेरी में हमें ऐसे 8 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ता है, 10 घंटे से ज़्यादा बैठना पड़ता है, या कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 12 घंटे बैठना होता है। तो वहाँ पे हम मुझे ऐसा लगता है कि जीन्स वीन्स पहन के मैं नहीं बैठ पाती हूँ इतनी देर। तो हाँ, मैं अभी ऐसे ट्रैक सूट वगैरह पहन के जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है उसमें। एंड अब हम निकल गए लाइब्रेरी के लिए। अपने लिए मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया था उसको पैक कर लिया है, एंड अभी यहाँ पे दुकानें भी ज़्यादा नहीं खुली है, थोड़े फल वल के शॉप खुले थे बस। तो यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ, एंड जब मैं आती हूँ लाइब्रेरी तो पूरा लाइब्रेरी खाली था। बट हाँ, आज एक भैया आ गए थे यहाँ पे, वो तैयारी कर रहे हैं पता नहीं किस चीज़ की। तो अभी चलते हैं, अपने सीट में बैठेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट दिन का। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी से जुड़ सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एंड यस, चलो देखते हैं आज का क्या स्लॉट्स है, क्या टारगेट है। वीडियो में बने रहो।
गाइस यहाँ पे ना मेरा एक ब्लैंक वॉल था, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मैप। एंड मैं रिवाइज करती हूँ जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है, जब मैंने ब्रेक लिया होता है, या जब भी ऐसे मुड़ती वुड़ती मैं ना कुछ पढ़ती हूँ तो अंडरलाइन कर लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ। देखो आपको दिखेगा, तो ऐसे मैं मार्क करती जा रही हूँ ताकि मैं कभी भी इधर उधर मूव करूँ तो कुछ भी रैंडमली रिवाइज हो जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने भी मैप्स वगैरह लगाए हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम रिलेट कर सकते हैं। Open doors, no dark around us at last, the bars have been broken up. Overcome a war within, caused by humanity thirst for blood. Find the rhythm somewhere in your skulls, the ancestors, God and whispers, it leads the way towards home. You know we cannot refuse to go. Footprints left in the wet sand, far from the end, we are never split. I think I will.